अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वाइल्ड पेट्स में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, नॉर्मली हम आप लोगों को कुछ ऐसे पेट्स से मिलवाते हैं जो लोगों ने बहुत अच्छी क्वांटिटी में रखे हुए हैं, या कुछ ऐसे पेट्स से मिलवाते हैं जो कि एग्जॉटिक पेट्स में आते हैं। लेकिन मैं आज आपको जहाँ लेकर आया हूँ, मैं अपने एक ऐसे दोस्त के पास आपको लेकर आया हूँ जिन्होंने कुछ ऐसे डॉग्स रखे हुए हैं जो हर किसी के रखने की बस की बात नहीं है। हम आज आपको मस्टिफ ब्रीड से मिलवाने लेकर आए हैं। लेकिन ये यूसुफ भाई ने कौन से मस्टिफ रखे हुए हैं, कब से रखे हुए, कैसे रखे हुए, क्या कर सकते हैं क्या नहीं, वो चल के आपको यूसुफ भाई से ही पता करवाते हैं। कम हियर ब्लैकी, कम हियर अप, गुड गर्ल। लेकिन मस्टिफ ऐसी ब्रीड है जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। इटालियन मैस्टिव है, इसको केन कॉर्सो भी बोलते हैं। तो खुराक ध्यान से देते हैं कि ये लेजी ना हो। इनमें फीमेल जो है थोड़ी सी लाइट सी होती है, लेकिन इस ब्रीड में आप फीमेल भी देखें ब्रॉड है। फ्रेंड्स, आज हम यूसुफ भाई के पास आए हैं। अगर हम डॉग्स की बात करें पेट रखने के लिए, तो बहुत ही आप लोगों को पता है स्पेसिफिक से डॉग्स हैं यहाँ पे, लैब्राडोर, जर्मन शेपर्ड्स, कुछ लोग पिटबुल्स की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग रॉटवाइलर्स की तरफ चले जाते हैं। लेकिन मस्टिफ ऐसी ब्रीड है जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन यूसुफ भाई ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पाँच मस्टिफ्स रखे हुए। तो चल के यूसुफ भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह यूसुफ भाई, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें निकाल के दिया। यूसुफ भाई, यहाँ अगर खाली पाकिस्तान और स्पेशली कराची की बात की जाए, तो यहाँ लोग दो तीन ब्रीड से ज़्यादा सोचते ही नहीं है। तो इन ब्रीड्स की आपको कैसे? बस असल में मुझे बेसिकली डॉग वैसे ही बहुत प्यारे लगते हैं, और अलग अलग ब्रीड्स जो हैं लोग पालते हैं, तो मैं इसलिए मुझे कुछ अनोखा शौक था कि कोई ऐसी ब्रीड रखूं कि जो पाकिस्तान में कम हो, या लोगों में अवेयरनेस आए कि ये ब्रीड भी बहुत अच्छी है और इसको हम अपने पास रख सकते हैं, कोई इतने एग्रेसिव नहीं है, और जैसे आप इसको टेम करते हैं ये वैसे टेम हो जाते हैं। इटालियन मैस्टिव है, इसको केन कॉर्सो भी बोलते हैं। अगर आप और इसकी सर्चिंग पे जाएंगे तो इसका एक नेम केन कॉर्सो इस ब्रीड का नाम है। सही, बहुत से लोग इटालियन मैस्टिव के नाम से जानते हैं, लेकिन बहुत अच्छे गार्ड डॉग हैं, बहुत लवर डॉग हैं, और इसकी ब्रीड बिल्कुल अनोखी है, मतलब आपको बहुत कम मिलेगी। और इस कैटेगरी, इस क्वालिटी की तो खैर मैंने देखी भी नहीं। ये क्वालिटी तो खैर मैंने खुद इम्पोर्ट की है। सही, तो मैं यूरोप से लेके आया था, तो जब से ये छोटे छोटे लाया था मैं, और अब मैंने इनको काफ़ी अरसे जो अपने पास रख के इनको प्यार से इतना पाला है, अब ये बिल्कुल ऐसे हैं कि जो देखता है वो इससे प्यार करने लग जाता है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ, इस डॉग को अगर आप देखेंगे, एक तो माशाल्लाह से इसका कलर, दूसरा इसके बल्कि जो इसका स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से जो यूसुफ भाई ने इसको लीशेज वगैरह डाली हैं, बिल्कुल इनके हिसाब से डाली हैं। और ऐसा डॉग अगर आपको कहीं बंदा हुआ दिख जाए, तो मैं आपको 110% श्योरिटी के साथ ये कह सकता हूँ कि आप सोचेंगे भी नहीं कि आप वहाँ से गुजर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है रखने वाले पे। माशाल्लाह से आपके सामने बैठी हुई है। यूसुफ भाई से मज़ीद बात करते हैं। यूसुफ भाई, आपको कब से शौक़ है डॉग्स वगैरह का? डॉग्स का शौक़ तो मुझे बहुत पुराना है, तकरीबन 18 ईयर्स ओल्ड, इतना पुराना। मैंने काफ़ी ब्रीड्स पाली हैं, जर्मन शेफर्ड मैंने पाली हैं, लैब्राडोर पाली हैं, ओके, काफ़ी सारी ब्रीड्स मैं अलग अलग पाल चुका हूँ। मेरे पास फ्रेंच मैस्टिफ भी, लास्ट ईयर तक फ्रेंच मैस्टिफ मेरे पास बहुत खूबसूरत थे, लेकिन एक वो दोस्त प्यार करने वाला वो ज़बरदस्ती अपने घर ले गए, वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये अब ब्रीड मुझे लास्ट फाइनल यही ब्रीड पसंद आई है, अब मैं यही ब्रीड रख रहा हूँ, और यही ब्रीड्स हैं, और ये हमारे घर में इतने प्यार से रहते हैं कि हमारे पास जो है इनके पपीज़ भी मौजूद हैं, माशाल्लाह, कि ये हमारे पास ब्रीड भी करते हैं, हमारे पास इनके पपीज़ भी हैं। सही सही, और ये बिल्कुल फ्रेंडली रहते हैं, जैसा इसको आप गार्ड करना सिखाएंगे ये वैसा आपको गार्ड करेगा। अच्छा यूसुफ भाई, अगर इनकी बात की जाए इटालियन मास्टर्स की, ये हमारे पास कौन है, कहाँ से आई हैं, क्या एज है, इनके बारे में बताएं। ये ब्लैकी है, फीमेल है, ये 16 मंथ इसकी एज है। दोस्तों 16 मंथ्स, अगर मंथ्स की आप बात करें तो आपके जहन में कुछ आएगा कि बहुत छोटा सा है। अभी स्टार्टिंग में जब मैं इससे आके मिला था यूसुफ, इसको देख के हमें लगा नहीं कि हम इसके पास जा सकते हैं। यूसुफ भाई ने कहा कि आप ट्राई करें। जब ये मेरे ऊपर आई तो लिटरली और ऑलमोस्ट ये मेरी हाइट की है और 16 मंथ्स की है। अभी आप सोचें फिर अपनी एज में आके क्या होगी। जी यूसुफ भाई, ये 16 मंथ इसकी एज है, और ये हम यूरोप से हमने इम्पोर्ट की है, और हमारे पास इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चीज़ मौजूद है। ओके, और ये जितने भी हम प्यार करते हैं, जितने यार दोस्त आते हैं वो प्यार करते हैं, कोशिश यही करते हैं कि इनके साथ ऐसे रहें बिल्कुल बच्चों की तरह, तो ये हमसे उसी तरह प्यार करते हैं। बाकी इनकी खुराक जो है, दो टाइम ये
सुबह में ये जो है डॉग फूड होते हैं जो बाहर से इम्पोर्ट किए हुए होते हैं, सुबह में ये डॉग फूड खा लेते हैं, शाम में मोस्टली ये चिकन खाते हैं शौक से। सही, मोस्टली जो है इजीली चिकन बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा यूसुफ भाई, इनकी मतलब जिस हिसाब से इनका स्ट्रक्चर है, इनकी वॉक वगैरह ज़रूरी होती है? सुबह इनकी 30 मिनट सुबह वॉक होती है, जैसे ही ये नाश्ता करते हैं कह लें आप, ब्रेकफास्ट कह लें, उसके बाद 30 मिनट सबकी वॉक है। सही, फिर शाम को 6 बजे हम इनको दोबारा जो है चिकन वगैरह देते हैं हर किसी के वेट के हिसाब से, फिर 30 मिनट दोबारा वॉक करते हैं। खाने के 5 मिनट के बाद ये जाते हैं बाहर वॉक शॉक करके घूम फिर के, वॉक लाजमी है, 1 डेली जो है 60 मिनट वॉक है। ओके अच्छा यूसुफ भाई, यहाँ पे जो लोगों का कॉन्सेप्ट है, जैसे एक हैवी ब्रीड है ये, इसको अगर नॉर्मल लैंग्वेज में इसको अगर बोला जाए तो एक हैवी ब्रीड है, लोग ये समझते हैं कि एज़ कम्पेयर टू अदर डॉग्स स्पेशली इस तरह के मस्टिफ्स वगैरह रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। आप एक छोटा पूडल वगैरह, जो छोटे डॉग्स होते हैं, जो पूडल है, शिज़ू है, डॉग दोनों एक से ही हैं, डॉग की टेम्परामेंट में कोई फ़र्क नहीं है। डॉग अगर आप वाइल्ड करना चाहेंगे, आप उसको बांध के रखें, पिंजरे में रखें, उसको हाथ ना लगाएं, वो कोई सा भी डॉग होगा वो वाइल्ड हो जाएगा। अगर आप किसी भी डॉग से प्यार करेंगे, उसके करीब जाएंगे, उससे बातें करेंगे, तो डॉग वाइल्ड बिल्कुल भी नहीं होगा, और मालिक के लिए तो बिल्कुल वाइल्ड नहीं होता। ज़बरदस्त, उसमें बहुत अच्छा सा मैसेज हमें यूसुफ भाई ने दिया है कि इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप डॉग को कैसा रखते हैं, चाहे वो एक छोटा सा टॉय ब्रीड हो, वो भी अग्रेसिव हो सकता है अगर आप उसको टाइम ना दें। टाइम देना बहुत ज़रूरी है, और टाइम किस तरह दिया जाता है वो आपके सामने। यूसुफ भाई, आपने बताया कि माशाल्लाह से ये फ्रेंडली है, अगर बिलफर्स जैसे आप लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं और ये यहाँ पर ओपन एरिया में अपने हैं, और कोई कोशिश करता है, देख रहे हैं आप, उसको भी पता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर कोई घर में घुसने की कोशिश करता है, अगर खुदा ना खास्ता इन्होंने पकड़ा, अगर ट्रेनर और मैं हम दोनों मौजूद नहीं हैं, तो फिर कोई घर में नहीं घुस सकता। इनको हमने ऐसा ट्रेन किया है कि न्यू आदमी अगर घर में इंटर होगा तो ये उस पर अटैक भी करेंगे, उसको पकड़ेंगे भी। ये नए आदमी को इंटर जब नहीं होने देंगे अगर हम नहीं हैं। अगर उस आदमी को इन्होंने पहले देखा हुआ है घर में, जैसे ड्राइवर है, खानसामा है, माली है, उसको ये कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, लेकिन कोई अदरवाइज नया आदमी। और फिर इसमें एक और सिक्स सेंस है, गॉड गिफ्टेड कह लें आप, कि इसको वैसे ही पता लग जाता है कौन सा आदमी गलत है। डॉग को, हॉर्स, डॉग, डॉग्स, बिल्कुल बिल्कुल, एलिफेंट, ये 2-3 ब्रीड ऐसी हैं कि ये गॉड गिफ्टेड हैं कि इनको पता लग जाता है कि ये आदमी गलत एरिया से, गलत इरादे से यहाँ आ रहा है, या तो वो उसको नए आदमी को इंटर नहीं होने देंगे। ज़बरदस्त। और दोस्तों, ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो लाइन से ये बैठे हुए थे, एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा ऊपर के हमें डॉग्स यहाँ पर नज़र आए, और इनका रिएक्शन भी हमें देख के कुछ इस तरह का ही था कि मैंने भी थोड़ी देर सोचा कि मैं क्या करीब जा सकता हूँ, तो यूसुफ भाई ने जाके इनको लिटरली ऐसा लग रहा था कि इनकी कम्युनिकेशन हो रही है, उन्होंने जाके बोला कि नहीं कुछ नहीं है, उसके बाद ही मेरे साथ खेल रही थी, अभी आपके सामने मेरे साथ ये बिल्कुल फ्रेंडली है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई कोशिश करता है कि इनकी गैर मौजूदगी में इस घर में दाखिल होने की, तो वो बहुत बुरा नुकसान उठाएगा, ट्रस्ट मी। आप लोग अभी सिर्फ कैमरे में देख रहे हैं, इसकी शायद रिस्क जो है वो मेरी कलाई से ज़्यादा है, बल्कि ऐसा ही है, शायद नहीं ऐसा ही है। यूसुफ भाई, कभी ऐसा हुआ कि कभी इन्होंने आप पे एग्रेशन वगैरह दिखाई हो, कभी ट्रेनिंग? नहीं, मालिक को तो ये कभी भी एग्रेशन नहीं दिखाते, और हमने चूंकि बहुत छोटे पपी पाले हैं। अच्छा, तो ये कितने मंथ्स की आई थी आपके पास? ये हमारे पास आई थी 2.5 मंथ की। ओके, यानी बिल्कुल छोटी। हाँ, 75 डेज की इसकी तकरीबन ये आई थी, 75 to 80 डेज की थी। तो जब से हमने इसको पाला पोसा है और इसको टेम किया है, तो ये बिल्कुल एग्रेसिव हमारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें बिल्कुल, हमारे साथ तो ऐसे रहती है कि खुले हम गाड़ी में लेके घूमते हैं इसको। अच्छा। जहाँ हम जाते हैं गाड़ी में हमारे साथ होते हैं। सही। तो हमारे लिए बिल्कुल एग्रेसिव नहीं है, और न्यू आदमी के लिए भी जब एग्रेसिव है, जब कोई गलत इरादे से इनके करीब आएगा। बिल्कुल, जैसे हमारी अभी कोई इंटेंशन नहीं थी, और प्लस आप लोग भी थे, और हम लोग नहीं होंगे तो ही ये एग्रेशन शो करेगा। अगर हम मौजूद हैं और कोई गेस्ट आता है, हम लिटरली आपके सामने मैंने बोला कि भाई ये गेस्ट हैं, तो वो उसको सब समझ आ जाता है बिल्कुल, कि ये अगर कोई मेहमान या कोई गेस्ट आ रहे हैं, फिर उन पर शाउट भी नहीं करेंगे। अब आप लोग बैठे देखें, एक दो आवाज़ें आपको ज़रूर आती होंगी, और वो भी किसी चीज़ को देख के, इतने सारे, हाँ इतने सारे लोग होते हैं तो उसमें वो शाउट करता है, वरना आप देखें कितनी देर से हम बैठे हैं, एक आवाज़ भी ब्लैकी की नहीं आई अभी तक। बिल्कुल, और दोस्तों खाली ब्लैकी की नहीं, अभी मैं आपको एक और चीज़ से मिलवाता हूँ, वो भी अगर रिएक्शन कर रहा था तो वो हमारे इक्विपमेंट्स अचानक बाहर निकल रहे हैं, थोड़ा सा यू नो डिफरेंट, एक अनयूजुअल एक्टिविटी थी। लेकिन सबसे मज़ेदार बात ये थी कि वो जो भी एग्रेशन थी या जो भी उसकी वो थी प्रोटेक्शन थी, वो यूसुफ भाई की कमांड्स पे फौरन रिएक्ट कर रहा था, यानी यूसुफ भाई ने उसको बोला नो, तो बस फिर उसके लिए नो था। ये बड़ी मज़ेदार सी बात थी। यूसुफ भाई, आपने बताया आपने और भी डॉग्स पाले,
तो बिल्कुल लेट्स बी ऑनेस्ट, आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस ब्रीड को रखने में आया? मुझे इतना टाइम हो गया इनको ब्रीड्स को पालते हुए, मुझे लास्ट अब जो आखिरी मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छी ब्रीड मेरी नज़र में अब यही है, क्योंकि मैंने और ब्रीड्स पाल के देखी हैं, लेकिन मुझे लास्ट बस मैंने लास्ट डिसीजन यही लिया कि अब और कोई ब्रीड नहीं, अब यही ब्रीड पालूंगा। एक मुझे पर्सनली पसंद अमेरिकन बुली ज़रूर है, उसमें जाइंट ट्रिपल एक्सल साइज आता है, और मेरा इरादा भी है आगे वक्तों में चल के जाइंट ट्रिपल एक्स बुली पालने का, लेकिन फिलहाल जो है मैं अभी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड इसी में हूँ। दोस्तों आप लोगों को एक बात बताता हूँ, आप इसका फेस देखें, ब्लैकी कम है, इसका फेस देखें आप, ये देखें कितनी फ्रेंडली है ये, खा जाओ, ट्रस्ट मी आप लोगों को शायद ये लग भी रहा होगा, ये बाइट बाइट कर रही है, इवन ये मुझे प्यार इस तरह कर रही है कि इसके दांत मुझे टच भी नहीं हो रहे। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी हैरी पॉटर, उसमें एक जो उनका लैब होता है उसमें उन्होंने डॉग्स दिखाए हैं बल्की बल्की से, वो मस्टिफ ब्रीड्स ही हैं, और आप इसका फेस देखें आपको पता चलेगा कि ये उसमें ही है, ये देखें। अच्छा यूसुफ भाई, लोगों को जब ये पता चलता है कि ये डॉग्स भी यहाँ रखे जा सकते हैं, इम्पोर्ट कराए जा सकते हैं, तो लोग चाहते हैं कि इस तरफ आएँ, क्योंकि लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, जैसा आपने कहा इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, बहुत बहुत कम लोगों को पता है कि इम्पोर्ट भी होते हैं और डॉग्स पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में एडजस्ट भी कर जाते हैं अगर रखने वाला सही हो। तो इनका प्रोसेस क्या होता है अगर बाहर से जैसे आप डॉग लेकर आ रहे हैं, तो इनका क्या प्रोसेस होता है? कि मोस्टली तो लोग जो है यूरोप से जाते हैं या जिस भी कंट्री से, उनको जो डॉग ही पसंद आए, सिर्फ ये ब्रीड नहीं, कोई भी डॉग अगर आप बाहर से लाना चाहते हो तो आप अपने नाम से वहाँ से परचेज़ करके और बाय हैंड कैरी में भी ला सकते हैं, वरना बहुत से इम्पोर्टर पाकिस्तान में मौजूद हैं जो आप परचेज़ करके इम्पोर्टर से रابطہ करके उनको कह देते हैं कि भाई ये मैंने पेट्स लिए, डॉग लिए हैं और अदर एनिमल्स लिए हैं, तो ये मुझे पाकिस्तान पहुँचा दिए जाएँ, तो वो इम्पोर्टर हज़रात पहुँचा देते हैं, लेकिन आप ख़ुद भी ला सकते हैं। आप बाय एयर जब आ रहे होते हैं तो बाकायदा वहाँ जो कंपनीज़ हैं वो आपको इसके डॉक्यूमेंट्स बना के देती हैं, इसके पासपोर्ट बना के देती हैं, इसका टिकट होता है, हर चीज़ होती है, और ये आपको वेट के हिसाब से आप ला सकते हैं इजीली। और ये सिर्फ लोगों की फैलाई हुई बात है कि आप इसको यहाँ नहीं रख सकते, मैंने इतने अरसे से रखे हुए, आप यूरोप की सर्दी को यहाँ से यूँ काउंट नहीं करें कि वो सर्दी में बाहर थोड़ी रख देते हैं डॉग को, आप नॉर्मली जो वेदर होता है उसमें अपने साथ ही डॉग को बाहर लेके जाएंगे ना, यूरोप के लोग भी अपने पास ही रखते हैं, और जाहिर है अगर वो खुद ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं तो डॉग भी कर सकता है। बिल्कुल, तो उसी तरह जब ये यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ आप मोस्टली आपके वेदर में, और छोटा बच्चा जो होता है वो तो वैसे ही जिस वेदर में आप छोटे बच्चे को लेके जाओगे वो वैसे ही हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। आप बड़ा डॉग वहाँ से इम्पोर्ट करोगे हो सकता है शायद वो आपको प्रॉब्लम करे, लेकिन नॉर्मल 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ का डॉग या दूसरे जो एनिमल्स हैं वो आप लाओगे आपके वेदर से मैच कर जाएंगे, वेदर इनको इतना ट्रबल नहीं करता। तो आप देखें हम यहाँ कराची में रहते हैं और बिल्कुल ईजीली हमारे पास रहते हैं ना, हमने कोई एसी लगाया हुआ है, लोगों ने कॉन्सेप्ट लोगों को दिया हुआ है जी आप एसी लाजमी लगाएं, नहीं कोई एसी नहीं, आप देखें पेड़ हैं बस, छांव है और मट्टी है, और खेलते कूदते रहते हैं और बिल्कुल एक्टिव और सही रहते हैं, हेल्दी एक्टिव हमारे सामने। दोस्तों बहुत बड़ा मैसेज यूसुफ भाई ने दिया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट करके हमसे ये कहा कि हमने फलां डॉग इसलिए नहीं रखा क्योंकि लोगों ने कहा था उसके लिए एसी। इवन ये कि लोगों कुछ लोगों ने ये भी गाइड किया लोगों को कि अगर आप जैसे हस्की रख रहे हैं तो आपको उसको पूरा आइस का एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है, हस्की भी आप रखेंगे, आप अगर छोटा पपी पालेंगे कोई आपको एनवायरनमेंट तंग नहीं करेगा। सही, और दोस्तों ये रिजल्ट जो है वो हमारे सामने है कि एक पपी से लेके एक 16 मंथ्स तक के एडल्ट डॉग पे कोई प्रॉब्लम जो वेदर्स यहाँ पे आए होंगे इसने फेस किए हैं, और माशाल्लाह से इट डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आप प्रॉपर एक डॉग रखते हैं तो उसको आपने कैसे रखना है। यूसुफ भाई, एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि अगर बंदा एक से ज़्यादा डॉग्स अगर रखता है, जैसे 2-3 माशाल्लाह से आपके पास, तो खैर बहुत ही डिफरेंट चीज़ है, तो इसके लिए ट्रेनर ज़रूरी है या नहीं है? ट्रेनर तो देखें ज़रूरी है, अगर आप, और अब आजकल की इतनी मसरूफ़ लाइफ है कि आप रोज़ाना वो टाइम अपने डॉग को या अपने पेट को नहीं दे सकते जो उसको चाहिए, तो आपको ट्रेनर लाजमी रखना ही चाहिए, और जो लोग शौक करते हैं उनको ट्रेनर अच्छी चीज़ है, वो आपके एनिमल को, डॉग्स वगैरह जो भी आप पालेंगे उसको सिखाएगा ये काम ऐसे करना है ये, क्योंकि ऑनर जो है उसको शुरू में तो शायद वो इतना वो करेगा लेकिन बाद में इसको टाइम नहीं दे पाएगा इतना, और दे भी पाएगा तो कम दे पाएगा, तो जो ट्रेनर है वो अच्छी बातें रखना चाहिए। अब हमारे जितने डॉग्स हैं ये दानिश साहब हैं, ये ट्रेन करते हैं और ये इनकी देखभाल करते हैं और ये इनके साथ ही रहते हैं 24 आवर, ये इनके साथ ही रहते हैं, डॉग लवर हैं, ख़ुद बहुत प्यार करते हैं डॉग से, तो ये हर चीज़ इनकी मानते हैं,
और एक सब इन्होंने बिल्कुल आपको ट्रेनर रखना चाहिए। ओके दोस्तों, आप लोगों को ये बताता चलूँ कि एक एक्सपीरियंस बंदे की बात सुनना जो है वो बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं कि क्या क्या फेस करना पड़ता है। अब डॉग्स जो हैं वो बिल्कुल एक्टिव हैं, हेल्दी हैं, सब कुछ हैं, तो इसके लिए ट्रेनर अगर आप रखते हैं तो आपका प्लस पॉइंट है। दोस्तों अभी तक हमने सिर्फ आपको ब्लैकी से मिलवाया, लेकिन यहाँ मिलवाने के लिए बहुत कुछ है, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वील बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। इनके बिहेवियर ने जो है ना मुझे पागल कर दिया बिल्कुल। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जैसा मैंने आपसे कहा था कि यूसुफ भाई ने हमसे कहा है कि हमें वो किसी और से भी मिलवाएंगे, तो हम ब्लैकी से मिल लिए। ट्रस्ट मी, ब्लैकी से मिल गए। मुझे भी आपको पता है मुझे एनिमल्स सब पसंद है, मेरे लिए सारे एनिमल्स जो है ना वो बेहतरीन है। लेकिन अब मैं ये बात करने वाला हूँ, और यूसुफ भाई से मैं ये बात कर भी चुका हूँ कि मुझे भी इसके पपीज चाहिए। बहुत मज़ेदार ब्रीड है, लेकिन इट डिपेंड्स कि आप रखते कैसे। तो चलिए यूसुफ भाई से मिलते हैं कि बात करते हैं वो किससे मिलवाने वाले। यूसुफ भाई, ब्लैकी से तो हो गई बात, अभी आप ब्लैकी से मिल गए। अभी मैं आपको एक अलग बिल्कुल नायाब कलर्स है हमारे पास, ब्राउन ब्रिंडल। ओके, साइपर मेल है और 2.5 ईयर्स का है, उससे आपको मिलवाता हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए नाज़रीन मिलते हैं साइपर से। दानिश साइपर को लिया, इसको ब्लैकी कौन में कर दें। ब्लैकी गो गो बेबी गो गो गो। दोस्तों आप लोगों को शायद मेरे पीछे नजर आ रहा होगा एक केज है, इसमें मैं आप लोगों को शायद अभी वैसे नजर नहीं आऊंगा, मुझे बात करते करते नजर आए कि प्रॉपर पूरा ड्रेन, प्रॉपर चमकता हुआ फर्श वर्श सब कुछ, यानी आप बहुत इजीली कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। इससे मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। नहीं, मैं अपनी तरफ रखूंगा, कोई वो नहीं होगा। साइपर बाबा गुड बॉय, साइपर गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। दूर दूर से नो साइपर, ये गेस्ट हमारे आए हुए, ये देखें, ये आपको कुछ भी नहीं कहेगा। साइपर ये देखें, आपसे मिलने कौन आया, देखें, गुड बॉय, हम प्यार कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कहेगा। आप ये देखें कि जब मैं अंदर आया था तो इसके रिएक्शन जैसे थे कि मैंने प्लान कर लिया था कि इसके करीब तो नहीं जाना मैंने, लेकिन अभी आप कर सकते हैं, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। नहीं, अभी हम हैं और कुछ भी नहीं कहेगा आपको। साइपर स्मेल आ रही है, गेस्ट हैं, बेबी थोड़ी सी तो होती है ना। हाँ, लेकिन, तो देखे ना। हाँ, लेकिन अच्छा, नहीं, अब नहीं कहेगा आपको, समझ गया यूसुफ भाई। ये मतलब जैसे मैं अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ, बरमबास टाइप सी चीज लग रही है ये। हाँ, इसके अलग ही कुछ, ये हमने इसको मेल जो है, और ये बहुत से लोग समझेंगे कि हमने इसको कमजोर रखा हुआ है, लेकिन ये बेसिकली आप इसका चेस्ट देखें। असल में डॉग को आपको चेक करना हो तो आप उसका चेस्ट चेक करें। आप इसको कह लें, यूं हम इसको खुराक ध्यान से देते हैं कि ये लेजी ना हो जाए, ये फिट रहे। हाँ, फिट रहे बिल्कुल। और इसकी वॉक जो है वो उनसे फीमेल से भी ज्यादा लाजमी होती है। इसके चेस्ट से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किस तरह का है, तो आप उसका चेस्ट देखेंगे। साइपर शेड अभी मुझे एक अनयूजुअल एक्टिविटी है, मैं एक अननोन बंदा इसके इतना करीब आया हुआ है, वैसे बिल्कुल रिलैक्स है, लेकिन अभी थोड़ा सा जाहिर सा एक्सप्लोर तो करेगा ये। सबसे ज़्यादा मज़ेदार इसके पॉइंट जो है ना, ये अगर आप लोगों को शौक है ना, हमारे बहुत सारे नाज़रीन देख रहे हैं कि आप कुछ ऐसा, कोई ऐसा पैट रखें या स्पेशली डॉग ऐसा रखें कि दुनिया देखे, ट्रस्ट मी गो फॉर इट। ये कन्फर्म हो गया कि मैं अब ऐसा ही डॉग रखूंगा। इस पे जो मुझे पॉइंट्स दिखे हैं फौरन, जिन्होंने मुझे अट्रैक्ट किया है, वो बात करते हैं यूसुफ भाई से। यूसुफ भाई, इसके कान टेल इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और इसका कलर टाइगर वाला कलर ये बिल्कुल जो है ब्राउन ब्रिंडल, बहुत मुश्किल से यूरोप में भी बहुत मुश्किल ये कलर मिलता है। और इसकी एयर क्रॉपिंग जो है, ये शौक की बात है, बहुत से आपने पीछे जो ब्लैकी देखी उसके एयर क्रॉप नहीं हुए हुए थे। ये ओनर जो होते हैं वो अपने शौक में करा लेते हैं कि भाई ये मुझे एयर क्रॉप चाहिए या टेल इसकी कट चाहिए। और टेल ये चूंकि इसका 2.5 ईयर्स का है, तो उस टाइम पे ये कानून नहीं था, तो टेल उस टाइम पे कटती थी यूरोप में। अब मेरा ख्याल है 1.5 ईयर्स से ये एक कानून वहाँ यूरोप में पास हुआ है कि आप टेल नहीं शॉर्ट करा सकते, एयर क्रॉप करा सकते हैं। तो ये जो है, हम जब लाए थे तो हम उस टाइम चूंकि कानून था ये, तो हम इसलिए एयर क्रॉप और टेल क्रॉप करा के लाए थे।
अच्छा यूसुफ भाई, लोग ये समझते हैं कि ये एक डॉग के लिए बहुत ज़्यादा अजियत होती है, पता नहीं कैसे कर देते हैं, ये भी पूरा प्रोसेस होता है ना? नहीं, ये बिल्कुल इजीली प्रोसेस है और ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आप समझ लें। जैसे अब मैं आसान आपको समझाऊँ, छोटी बच्ची होती है, जब वो थोड़ी सी बड़ी होती है तो माँ बाप क्या चाहते हैं कि इसके कान छेदे जाएं। बिल्कुल। और वो इजीली हो जाता है, ना उसको कोई तकलीफ़ होती है ना। इसी तरह ये है, कोई प्रोसेस नहीं है, मुश्किल से बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगता है, तो 30 मिनट्स लगते हैं। अच्छा। और ये इजीली अच्छे डॉक्टर जितने भी हैं, वो अच्छे डॉक्टर सारे ये काम कर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में मैं जो समझता हूँ, वो डॉक्टर असमा है डिफेंस में, बिल्कुल वो बेहतरीन डॉक्टर इस वक्त पाकिस्तान में, सबसे अच्छी डॉक्टर जो है वो मेरी नज़र में एनिमल की, वो डॉक्टर असमा है। तो आप कभी भी एयर क्रॉप्स या ऐसा कोई मशवरा लेना हो, वो आपको सबसे अच्छा मशवरा वो दे सकेंगी, और वो ज़ाहिर है रिलायबल डॉक्टर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों, आप लोगों को एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जो नहीं समझ में आता है, जो मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं क्लियरली वो पूछ लेता हूँ या बात कर लेता हूँ उस बारे में। इसका फेस, जो इसके लुक्स हैं ना, वो उसको ट्वाइस कर रहे हैं इसके कान। ट्रस्ट मी, अमेजिंगली डिफरेंट लग रहा है। और इसका कलर जो इन्होंने बताया, अच्छा यूसुफ भाई, अगर जैसे ब्लैकी आपने बताया था फीमेल है, और ये ब्रिंडल कलर जो है ये मेल है, अगर इनके हम पपीज़ वगैरह लेते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि उनको इस तरह का कलर मिल सकता है? पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, क्योंकि बच्चों के जो पपीज़ के जो कलर हैं वो माँ बाप के ही होते हैं, तो मोस्टली हो सकता है कुछ पपीज़ इस कलर के हों, कुछ पपीज़ ब्लैक कलर के हों। जो भी माँ बाप होंगे, पेरेंट्स का जो है वो लाजमी स्ट्रक्चर भी वैसा ही आता है बच्चों में, कलर भी वैसा ही आता है बच्चों में, और ये जो है बहुत ज़्यादा जो है लोग पसंद करते हैं ये कलर, जो ये कलर नहीं मिल पाता यहाँ पे। इसमें एक और कलर आता है, उसको डॉग्स की लैंग्वेज में तो ब्लू कलर कहते हैं, लेकिन मोस्टली उसको यहाँ नॉर्मल, जिनको नहीं इनका कलर पता, वो उसको ग्रे ब्रेंडल भी कहते हैं। Okay. उसकी फीमेल है हमारे पास। अच्छा। और उसके पपीज भी हैं, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे, लेकिन ये है कि वो चूंकि पपीज अभी छोटे हैं, तो इसीलिए वो फीमेल और पपीज हम आपको बाद में दिखाते हैं। अच्छा यूसुफ भाई, जैसे ये अभी इनके कमांड्स पे देखें, लेफ्ट राइट शेक हैंड कर रहे हैं, अगर मैं इससे शेक हैंड करूँ ये करेगा? आपसे शेक हैंड बिल्कुल करेगा, आप उससे डरे नहीं, आप उसको शेक हैंड बोल के उसके आगे हाथ करें, आपसे मिलाएगा बिल्कुल। शेक हैंड, गुड बॉय। अब आपको एक बात बताऊँ, ये आप मेरा हाथ देखें, सही है, ठीक है भाई, मैं भी फिजिकल एक्टिव हूँ, मेरे एक पंच से ज़्यादा बड़ा इसका पंजा है, ट्रस्ट मी। और ये अपने मुंह से यूसुफ भाई को बोलने की, मैं इनके फेस पे नहीं बोल रहा, फर्स्ट टाइम मैं यूसुफ भाई से मिला हूँ, इनको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि इनके डॉग्स क्या खाते हैं, कैसे नहाते हैं, कैसे रहते हैं, आपके सामने है बिल्कुल सब कुछ, आपके सामने है इसका। यूसुफ भाई, आपके पास कितनी दफ़ा, मतलब आपने इससे पहले ब्रीड करवाई है, जैसे आपने अभी बताया कि अभी जी 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 मेरे पास तकरीबन कोई 6-7 ब्रीड्स हो चुकी हैं मुख्तलिफ, और ये प्रोसेस भी कोई इतना वो नहीं है। आप जब प्यार से पालते हो तो आपके पास ब्रीड अच्छी आती है, और लोग यार दोस्त होते हैं मोस्टली, तो ऐसा ही होता है, कज़न्स वगैरह होते हैं, पपीज़ सारे वही ले जाते हैं। अच्छा। पपीज़ बचते ही नहीं है हमारे पास, हम कोशिश करते हैं कि कुछ पपीज़ हम अपने पास रख के पालें। इस दफ़ा हमारा यही इरादा है, अभी हम आपको मिलवाएंगे, अभी 6 पपीज़ हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा यूसुफ भाई, एक डिफरेंट सी बात आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, यूँ समझे कि मैं आपसे पूछना भी चाहता हूँ, कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाइक प्रॉपर ब्रीड जो है वो इंपोर्ट करवाई है, और उन्होंने अपने पास रखी है, उनके पास ब्रीड हुई है। मैं अपने व्यूवर्स के लिए बात पूछना चाहता हूँ कि अगर एक, जैसे ये इटालियन मस्टिफ है, इसका एक पपी कोई परचेस करना चाहे, जैसे भी मतलब यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में ही कर ले या कहीं बाहर से इम्पोर्ट करवाए, तो एक रफ आइडिया कि कितने तक का इसका एक पपी पड़ता है? यार इसका यूरोप वगैरह से हम लाते हैं, वो हमारी और उनकी करेंसी में इतना डिफरेंस है, तो लोगों को इतना नहीं अफोर्ड, हर आदमी इतना अफोर्ड नहीं कर पाता। नॉर्मली मोस्टली पाकिस्तान में अगर आप मैस्टिफ का बच्चा ख़रीदने जाएंगे तो ऑलमोस्ट 2 लाख का बच्चा होगा। ओके। और अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आप जैसे लोग हों जो वाकई इनको इस तरह रखें कि वाकई नज़र आए के रखे हुए, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट नहीं है कि लोग यहाँ पे अवेल कर सकते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पाते इंपोर्ट वगैरह, या उनके नई लिंक्स बनते, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है ना कि हमारे पास यहाँ बिल्कुल पर... यहाँ ये हो सकता है, लेकिन वहाँ से इंपोर्ट करने में ये डबल से भी ज़्यादा कॉस्ट का पड़ेगा। ये मैं आपको वो कॉस्ट बता रहा हूँ कि अगर यहाँ किसी के पास हो और कोई सेल करता हो। सही सही सही। अगर यही चीज़, यही बच्चा हम यूरोप से मंगाएंगे, ये डबल से भी ज़्यादा ऑलमोस्ट 5 लाख का कॉस्ट करेगा, क्योंकि आपको उसका कागजात, डॉक्यूमेंट्स, उसका पासपोर्ट, टिकट, वेट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा। वो सब मिलाएंगे आपको, वहाँ की कॉस्ट तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी,
और हमारा कंट्री जाहिर है इतना तो रिच नहीं है कि हम इतने महंगे हर आदमी अफोर्ड कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो शौक में पालते हैं, बाकी है मुश्किल के परचेस करना मुश्किल है, पालना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आदमी परचेस कर सकता है तो ये इजीली पल जाते हैं, और लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि जी लोग इनको खुराक में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। लोग ये समझते हैं कि पता नहीं 10-10, 20-20 किलो गोश्त खिला रहे होते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑलमोस्ट जो है, जो किताबें कहती हैं वो तो कहती हैं 24 आवर में 1 टाइम इनको खाना दिया जाता है, लेकिन हम चूँकि प्यार इतना करते हैं और हम अपने से बहुत ज़्यादा लव इनके सोचते हैं कि ये हमसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, हम सुबह में ब्रेकफास्ट के तौर पे इनको डॉग फूड देते हैं, कम देते हैं ताकि ये हेल्थ बहुत ज़्यादा आउट ना हो जाए, ओबेसिटी वगैरह ना हो। तो हम सुबह में इनको डॉग फूड देते हैं और इवनिंग में शाम 6 बजे हम इनको चिकन देते हैं। सही। तो ये कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है और इजीली ये पल भी जाते हैं। पर ये सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी जो इनको गोश्त वगैरह रॉ मटेरियल दिया जाए वो बगैर बॉइल्ड के ना दिया जाए किसी भी डॉग को। अब बहुत से लोग ये सवाल करते हैं सर स्ट्रीट डॉग भी तो ऐसे ही खा लेता है, तो वो स्ट्रीट डॉग के काटने से आपको फर्क भी पड़ता है। बिल्कुल, ये आपको काटेगा आपको इतना मेडिकली फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर दांत वांत भी लगे तो जी जी कोई बात नहीं, इसकी प्रॉपर वैक्सीन हुई भी होती है, हर चीज़ का इसका मेडिकल सर्टिफिकेट होता है। तो अगर बिल फर्ज अगर ये किसी को बाइट कर भी लेगा तो उसको मेडिकली इतना नुकसान नहीं पहुँचेगा, अंदरूनी तौर पर उसको खौफ होगा या वो बीमार हो जाए वो एक अलग बात है। सही। अच्छा यूसुफ भाई, ये इनकी साइपर की एज कितनी है? ये 2.5 ईयर्स का है। 2.5 ईयर्स का, बिल्कुल, मतलब ये एक्टिव। एक कॉन्सेप्ट होता है, लोग ये समझते हैं कि अगर 1.5-2 साल, 3 साल का डॉग हो गया तो थोड़ा लेजी हो जाता है ये वो। ट्रस्ट मी, आप लोगों ने मुझे ऑलमोस्ट हर जानवर के साथ देखा है, आप लोगों ने मुझे लॉयंस के साथ भी देखा है, शेपर्ड्स के साथ देखा है, रॉड्स के साथ देखा है, स्नेक्स के साथ देखा है, क्रोकोडाइल्स के साथ देखा है, लेकिन इसकी बात ही अलग है। मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आप लोगों से कह रहा हूँ इसकी बात ही अलग है, क्योंकि ये कुछ ना कह के भी बहुत कुछ कह रहे हो। और एक और मज़ेदार बात कि यूसुफ भाई ने अपने डॉग्स को वैसे भी विजिबल भी ऐसा रखा हुआ है कि अगले बंदे को देख के डर लगे। इसका आप कॉलर देखें, स्पाइक्स वाला कॉलर है, और इसकी जो लीशेज हैं, अगर दानिश भाई थोड़ी सी आप लीश घुमा के दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा थिक है। प्लस ये कि इस पर SS के जो है ना वो कॉर्नर्स हैं जो कि इतने सॉलिड हैं जो वाकई इन डॉग्स के लिए। इसमें अगर एक नॉर्मल लीश या चेन वेन की बात की जाए, ये आराम से मेरे ख्याल तोड़ सकता है। अगर एक नॉर्मल लीश इतने जाइंट ब्रीड के लिए अच्छी नहीं है। आप ऐसी कोई चीज़ इसको नहीं इस्तेमाल करें जो ये तोड़ दे या दूसरे को कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, ये सिर्फ उस सूरत में जब ट्रेनर या ओनर सामने नहीं होंगे। और ये हमें चूंकि शौक है तो हम इसलिए इसकी इक्विपमेंट्स वगैरह आप कह लें इसके जो भी हैं, तो हम अपनी पसंद से जहाँ से अच्छी चीज़ मिलती है वो यहाँ से मिले बाहर से मिले वो हम परचेज करके ले आते हैं और वो फिर हम यूज़ करते हैं। हमें खुद खुशी होती है कोई अच्छी चीज़ अगर किसी हमारे पेट ने पहनी भी होती है तो हमें खुद अच्छा फील होता है। बिल्कुल ऐसा ही है वाकई, और ये बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आप चाहते हैं कि अगर आप भी कुछ ऐसा रखें तो आप ऐसा होना चाहिए कि वो दिखते ही बंदा बोले कि यार परफेक्ट है। अभी यूसुफ भाई ने बात की कि यूसुफ भाई के पास इनकी ब्रीड भी हुई है, तो मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं वो देखूं कि इनका सफ़र स्टार्ट कहां से होता है। लेकिन आपको पता है वो स्पेशल कलर है, डिफरेंट कलर है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। इस एपिसोड के स्पेशल एनिमल में मैं आपको मिलवाऊंगा कि इनका सफ़र शुरू कहाँ से होता है, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। जो लेफ्ट हैंड में आपके ये डार्क ग्रे शेड में आता है और जो मेरे हाथ में ये दोनों ब्रंडल है ग्रे। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले आपसे मैंने कहा था कि बहुत ही कुछ स्पेशल मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आपके सामने है। अब आप ये देखें कि कंपैरिजन, मैं क्यों कह रहा हूँ कि इन डॉग्स ने मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट किया है, आप ये देखें यहाँ से इनका सफ़र शुरू होता है और कहाँ तक ये पहुँच जाते हैं। तो इनके बारे में बात करते हैं यूसुफ भाई से। यूसुफ भाई, इन छोटे छोटे क्यूट मासूम से पपीज़ के बारे में ज़रा बताइएगा हमारे नाज़रीन। ये अभी आज समझ लें ये मोस्टली 18 डेज के हुए हैं, ये 18 डेज हुए हैं इनकी एज, और आप इनकी 18 डेज में हेल्थ देख लें माशाल्लाह कि ये क्या हेल्थ है इनकी और ये किस तरह है। तो ये ऑलमोस्ट जो है 2.5 ईयर्स के पास साइपर जैसे हुए होंगे इंशाल्लाह। अच्छा यूसुफ भाई, अभी टोटल हमारे पास हैं कितने वो? ये 6 पपी अभी हमारे पास मौजूद हैं। और इनमें मेल फीमेल्स वगैरह? इनमें 2 मेल्स हैं, 4 फीमेल्स हैं। अभी आप लोगों को एक बात बताऊं कि इनकी जो वालदा हैं उनको बहुत गुस्सा आ रहा है कि उनके पास से इनको बुला लिया गया, क्योंकि बहुत छोटे पप्स हैं ये। और मैं आपको सच बताऊं कि मेरा आइडिया था कि एटलीस्ट ये मंथ से ऊपर के पपीज़ हैं, लेकिन ये अभी जस्ट 18 डेज ओल्ड हैं। और इनका कलर जो है वो एज़ कम्पेयर टू साइपर और ब्लैक ही बहुत डिफरेंट है। इस कलर के बारे में बात करते हैं,
जी भाई, इस कलर के बारे में ज़रा बताएं। ये मोस्टली डॉग्स लवर्स जो हैं उनको इस कलर का आइडिया है, इसको ब्लू कलर कहा जाता है। लेकिन जो नॉर्मल लोग होते हैं वो कहते हैं यार ये तो ब्लू नहीं है, तो ये आम आदमी की जबान में इसको आप ग्रे बोल लें, डार्क ग्रे बोल लें, ग्रे ब्रेंडल बोल लें, इसमें अलग अलग हैं। दो आपको सिल्वर कलर के नज़र आ रहे हैं, जी जी, एक देखें ये नीचे हैं आपके हाथ में, इसको सिल्वर बोला जाता है। जो लेफ्ट हैंड में आपके ये डार्क ग्रे शेड में आता है, और जो मेरे हाथ में ये दोनों ब्रेंडल है ग्रे, लेकिन अभी छोटे हैं तो आपको स्किन से आइडिया नहीं होगा, आइडिया नहीं हो रहा। थोड़े से ये बड़े होंगे तो फिर आपको इसकी स्किन से आइडिया हो जाएगा। सही, जो इनका कलर है प्रोमिनेंट हो जाएगा। हाँ, ये ग्रे ब्रिंडल हो जाएंगे, जैसे साइपर मैंने आपको ब्राउन ब्रिंडल दिखाया ना, ये ग्रे ब्रिंडल, ये ग्रे ब्रिंडल हो जाएंगे। आप सोचें ग्रे कलर में कैसा लगेगा साइपर। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, इनका जो एक फेस का जो एक भरम है वो बचपन से ही नज़र आता है। रिंकल्स वगैरह जो है इनके वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्लियरली नज़र आते हैं। आप रिंकल्स देखें इनके फेस पे, और यार मेरे समझ में नहीं आता लोगों को कैसे प्यार नहीं आता। मुझे थोड़ा सा ना वो हो रहा है कि ये बेचारे अनकंफर्ट ना हो रहे हो। ये बस अब इसका मैं आपको इतना ही वो कर सकता जी, था जी, जी, तो जी, इसको जी, इसकी मदर के पास भेज देते हैं दोस्तों, और बाकी फिर आपसे बैठ के बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दानिश आ जाएं, ये ले जाएं। मुझे सबसे बेस्ट पार्ट ये लगता है कि जब आपके पास अपने किसी पेट के पप्स या कब्स या किटन्स या कुछ भी आए तो आप उनके नाम रखें, बड़ा मज़ेदार सा वो होता है। अच्छा जी भाई, एक जैसे ये हमारे पास साइपर है, इसमें साइपर ही नाम है ना जी, मैं असल में एक नाम गलत कर रहा हूँ, साइपर 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 का कलर जो है उसमें ब्राउन प्रोमिनेंट है। मैंने आपके पास एक फीमेल देखी थी जो थोड़ी सी डार्क कलर में है, डार्क ब्लैक ब्रिंडल भी है, उससे मैं अभी मंगवाता हूँ आपको, वो भी दिखाता हूँ। आप ये देखिए, ब्लैक ब्रिंडल भी है मेरे पास, ग्रे ब्रिंडल भी है। दानी साहब, जैकी जैकी को ले आए। अब ये देखें कि मैं बोलता जा रहा हूँ और इस भाई कोई मसला नहीं, अब ये भी मंगवा लेते हैं। अब ये इनको आप देखें, एक और आ रही है माशाल्लाह से। ओके ओके जैकी, कम बेबी, बेबी कम कम बेबी जैकी, ये ब्लैक ब्रिंडल है। अब आप जो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि उसका जो हमारे पास कैस्पर भाई आए थे, साइपर साइपर, मैं बार बार ये गलत करूँ क्योंकि मेरे पास एक डॉग था उसका नाम कैस्पर था। अब जो साइपर है उसके कलर में जो ब्राउनिश कलर है वो ज़्यादा था, और इसमें जो है वो ब्लैकिश कलर ज़्यादा है। लेकिन अगेन अगर एनिमल्स की बात की जाए, किसी भी एनिमल में ज़्यादातर एक्सक्लूडिंग रेप्टाइल्स, इनमें क्यों सॉरी वो साइपर की बात हो गई तो उनको वो हाइपर हो गए। खैर, इनमें फीमेल्स जो है वो थोड़ी सी लाइट सी होती हैं, लेकिन इस ब्रीड में आप फीमेल भी देखें ब्रॉड है। अब ये आप देख रहे हैं पीछे, ये दो, ये तीन किसी, पहली बात तो है कि एक बंदा इन तीनों को नहीं संभाल सकता, कन्फर्म है ये नहीं संभाल सकता। लेकिन अगर इतने हैवी डॉग्स तीन हो तो कोई सोच भी नहीं सकता। यूसुफ भाई थोड़ा सा इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। ये जैकी इसका नाम है, और ये मैं ये लाया था 3.5 मंथ की, यूरोप से ही लेके आया था, और ये जो है ब्रीड कर चुकी है। अच्छा। इसने तकरीबन 3-4 ब्रीड्स ये कर चुकी है इसकी, माशाल्लाह। अब ये 3 ईयर्स है, 3 ईयर्स 2 मंथ ऑलमोस्ट इसकी एज है, और टेम्परामेंट बहुत अच्छा है इसका भी। आप देखें इजीली हमारे पास खड़ी है, आप भी बैठे हैं, कुछ टेम्परामेंट, हाँ टेम्परामेंट भी बहुत अच्छा है इसका। जितने भी इनके यूसुफ भाई के जो डॉग्स थे वो देखने में तो सारे ही बहुत ही डेंजरस लग रहे थे, लेकिन एक डॉग ने इतना सा भी हम पे कोई यूँ समझे कि अनवांटेड वो नहीं किया, रिएक्शन नहीं किया, बिल्कुल रिलैक्स है, बिल्कुल उल्टा खेल रही है मेरे साथ, है ना, गुड गर्ल। इसको पता चल गया मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। यूसुफ भाई, एक मतलब ये थोड़ी सी बल्की ब्रीड है, थोड़ी सी बड़ी ब्रीड है, ये अगर पपीज़ की बात की जाए तो एक हेल्दी फीमेल जो है वो कितने पपीज़ को बर्थ करती है? ब्रीड तो खैर ये आइडिया ही सिर्फ लोग दे सकते हैं, कन्फर्म तो कोई भी नहीं बता सकता। अच्छा। लेकिन मुझे ऐसा तजुर्बा है, मेरे पास सबसे कम पपी 9 हुए हैं, सबसे कम जी मेरे पास जो सबसे कम पपीज़ हुए हैं वो मेरी ब्रीड में 9 हुए हैं, वरना 11 भी हुए हैं, 13 भी हुए हैं, 12 भी हुए हैं। इसकी दुम ही इतनी ज़ोर से लग रही है, अल्लाह जैकी क्यों बिल्कुल टिका के दुम मारी है इसने, ये मार रही है दुम, ये देख लें। लेकिन दोस्तों ट्रस्ट मी, अगर कोई भी आप में से कोई भी आप ये सोच के डॉग रखना चाहते हैं, लोगों को शौक होता है कि वो कुछ भी एक पूडल या शिजू भी रखें, लोगों को शौक होता है कि अगर कोई देखे तो उसको भी अच्छा लगे पैट। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपने इसलिए आप कोई स्पेशली डॉग आपने रखना है ना कि आपके हाथ में डॉग हो तो कोई भी देखे तो एटलीस्ट 5 मिनट के लिए शौक रह जाए, वो ये हैं। आपने मुझे बहुत सारे एनिमल्स के साथ देखा होगा, लेकिन मैं खुद शौक हूँ इनको देख के, क्योंकि ये
बिल्कुल डिफरेंट वो है। यूसुफ भाई, अगर जैसे लोग, जैसे ये बल्कि ब्रीड है, इस तरह जैसे आपने बुलीज की बात की थी, एक्सेल वगैरह, लोग एक गड़बड़ करते हैं कि क्रॉस ब्रीड कराने की नहीं, ये गलत है। बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल गलत है। आप किसी की ब्रीड किसी दूसरी ब्रीड से चेंज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप उस ब्रीड को नाम क्या देंगे? आप उस ब्रीड को कोई नाम नहीं दे सकते, कुछ रजिस्टर्ड भी कोई ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे आप उसको क्या बताएंगे कि कौन सी ब्रीड है। टू ब्रीड्स को क्रॉस करा के पपीज जो हैं वो ना रिलायबल है, ना अच्छी चीज़ है, और ना ये करना चाहिए। आपको अगर शौक हो तो अगर आपके पास मेल जिस ब्रीड का, आप फीमेल उस ब्रीड की ले लें, या अगर आपके पास फीमेल है तो आप मेल उस ब्रीड का ले लें, लेकिन दूसरी ब्रीड से क्रॉस ना कराएं। लोग ये गलती करते हैं, ये गलती करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सही। अच्छा यूसुफ भाई, अभी जैसे इनका माशाल्लाह से थिक कोट है, सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों से रिलेटेड इनकी कोई डिफरेंट वो कोई डाइट प्लान चेंज या कुछ? डाइट प्लान सर्दियों में हम ये करते हैं कि इसको मंथ में एक दफ़ा मछली देते हैं। ओके। बस वो भी सिर्फ सर्दियों में, क्योंकि गर्मियां हमारी ऐसी होती हैं उसमें आपको मछली सूट नहीं करती। बिल्कुल। तो मछली में भी हम ऐसा करते हैं, इसको बोनलेस फिश देते हैं, लेकिन वो मंथ में एक दफ़ा देते हैं। ऑलमोस्ट आप समझ लें अभी 3-4 महीने तक ये एक एक दफ़ा हर महीने में मछली, लेकिन ये मछली भी वो उतने शौक से नहीं खाते, लेकिन खा लेते हैं। लेकिन जो इनका प्रॉपर जो रोज़ की गिज़ा है, जैसे डॉग फूड है, उसमें सारे प्रोटीन सारी चीज़ें सब होती हैं, तो वो उसमें हर चीज़ शामिल होती है डॉग फूड के अंदर ना, सारे विटामिन जो जो इनको देने वो सब पूरे होते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, इसलिए और किसी गिज़ा की ज़रूरत पड़ती नहीं है। सही। दोस्तों अब मेरे पास जो है वो मौजूद हैं, वो जो अभी छोटे छोटे पपीज़ आपने देखे थे उनकी मदर, और इसका कलर बिल्कुल डिफरेंट है, इसके बारे में बात करते हैं। यूसुफ भाई, इसके बारे में बताएं, क्या नाम है, क्या एज है? ये इसका नेम सूदी है, और जो अभी पपी आपने देखे थे वो इनके पपीज़ हैं। तो ये बिल्कुल फीमेल अलग कलर है, इसको हम ब्लू ही कहते हैं हमारी ज़बान में, वैसे लोग बहुत से इसको ग्रे ब्रेंडल, ब्लू ब्रेंडल, डार्क ग्रे ब्रेंडल। सही। तो ये जो ब्रीड है वही सेम ब्रीड है, सिर्फ कलर में फ़र्क है। सही। और अभी चूंकि पपी दिए हुए तो इसलिए ये इतनी ज़्यादा वीक आपको लगेगी, लेकिन वीक है नहीं, फीडिंग वगैरह। हाँ, फीडिंग है कि वो कई दफ़ा फीड कराती है, और इसको देख के ही आपकी बात मेरे जहन में आई कि डॉग को चेक करना है तो चेस्ट। हाँ, मैंने अभी चेक किया माशाल्लाह से, और दोस्तों जितने भी मैंने अभी, मैं फिर भूल गया कितने, 1, 2, 3, 4, ये इन चारों में मुझे सबसे मज़ेदार ये लगी, इसका बिहेवियर इतना इतना कूल था कि मैं फर्स्ट, अब यहाँ भी मेरा सबसे पहला इंटरेक्शन इसके साथ ही हुआ था, मैं इसके पास आया, इसने ऐसे देखा कि जैसे मुझसे बात कर रही है कि आ जाओ भाई प्यार कर लो। सीधी कमी बिल्कुल रिलैक्स काम ये वो। अच्छा यूसुफ भाई, जाने से पहले मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछना चाहूँगा, जो लोग स्पेशली ये मस्टर्स वगैरह रखना चाहते हैं, आप उनको क्या की पॉइंट्स देना चाहते हैं कि उनको क्या क्या करना चाहिए अगर वो रखना चाहते हैं तो? मैस्टिव आप पालेंगे तो आप सबसे पहले तो जगह उसकी प्रॉपर होनी चाहिए, मट्टी भी लाजमी होनी चाहिए। बहुत से लोग समझते हैं सिर्फ फर्श से मसला हल हो जाता है, ठीक है, अच्छी बात है, किसी के पास नहीं जगह वो एक अलग प्रॉब्लम है। अगर किसी के पास जगह है तो उसको कुछ हिस्सा उसको कच्चा भी देना चाहिए, बाकी जो इनके कैनल होते हैं जैसे आपने पीछे देखा उसमें प्रॉपर फर्श होना चाहिए। सही है, पूरा ड्रेन, कोई एसी की ज़रूरत नहीं है, आप देख लें फ़ैन लगा हुआ है खाली। सही। फ़ैन होना चाहिए, प्रॉपर खुराक होनी चाहिए, और एक अच्छी चीज़ ये है कि आप इसको मतलब वीकली जो है 2 दफ़ा तो शावर लाजमी दें, वरना 3 भी अच्छी चीज़ है। हम लोग 2 से 3 टाइम जो है इसको शावर देते हैं, और शैम्पू वगैरह डॉग शैम्पू बाज़ार में ईजिली मिल जाते हैं, उससे ये है कि आपको इसकी स्किन अच्छी रहती है, टिक्स वगैरह आपके नहीं होते। आप इतने आपने डॉग देखे, किसी एक डॉग में आपको कोई टिक्स नज़र नहीं आया। टिक्स तो छोड़ें दोस्तों, टू बी ऑनेस्ट में बात करूं, मैंने आप लोगों को ये चीज़ पॉइंट आउट इसलिए की, ये मेरे भी दोस्त नोट करते हैं, जैसे मेरे पास भी 2-3 डॉग्स हैं, अगर इनको शावर ना मिला, क्योंकि ये खेल रहे होते हैं, इनको भी स्वेटिंग होती है, तो कोई हाथ लगाते हैं ना, कोई आपका गेस्ट आ रहा है वो आपके एनिमल को हाथ लगाएगा, उसको बैड फील होता है। और आप देख रहे हैं मैं कंटिन्यू इनके साथ खेल रहा हूँ, मुझे कुछ पता भी नहीं चल रहा कि, हालांकि कच्चा एरिया भी है, लेकिन मुझे कुछ पता भी नहीं चल रहा कि कोई डस्ट वस्ट इसमें कुछ है। जी यूसुफ भाई, बस तो ये आप इसकी डाइट का ख्याल करें, और ये इनको शावर दें, इनको थोड़ा सा कच्चा हिस्सा दे दें, आप जितना प्यार करेंगे डॉग आपका हेल्दी भी रहेगा, खुश भी रहेगा, और ईजीली आप उससे उसको पाल सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैस्टिफ पालने में मुझे नहीं, और मैं इतने अरसे से पाल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैस्टिफ आप इजीली पाल सकते हैं। सही। जैसे आम डॉग पाल सकते हैं, ऐसे मैस्टिफ भी पाल सकते हैं। दोस्तों ये एक अगेन मैं वही बात कहूँगा कि एक आध डॉग रखना इट्स डिफरेंट। यूसुफ भाई के पास 1-2 नहीं बल्कि 5 मैस्टिफ्स हैं, प्लस उनके पपीज़ भी हैं,
तो अब अगर कोई प्रॉब्लम होता तो डेफिनेट सी बात है एक्सपीरियंस बंदा कभी किसी को और गाइड गलत गाइड नहीं करेगा। यूसुफ भाई ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कुछ की पॉइंट्स हैं आपने उन चीज़ों का ख्याल रखना है। हाँ हाँ हम आ रहे हैं तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। आपने उन चीज़ों का ख्याल रखना है तो आप आराम से मास्टर्स भी रख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये एपिसोड बहुत पसंद आई होगी और मैं सच बता रहा हूँ अब तक की सारी एपिसोड में सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया मैंने ये एपिसोड, क्योंकि इनके बिहेवियर ने जो है ना मुझे पागल कर दिया बिल्कुल। यूसुफ भाई थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच दानिश। इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी कुछ नए एनिमल्स के साथ, कुछ नए एग्जॉटिक एनिमल्स के साथ और कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेट्स का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।